Hi guys, welcome back on my YouTube channel वैष्णवी का माइंड एंड हियर आई एम वैष्णवी भदौरिया। सो एलविश यादव का जो पहले का जो YouTube वर्सेस TikTok का जो रोस्ट था, रोस्ट वीडियो था, उस पे मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था, लेकिन साइबर बुलिंग पॉलिसी के अंतर्गत आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन को थोड़ा वायलेंस करता है, इस वजह से YouTube ने उसे हटा दिया है। एनीवे, एंजॉय करते हैं इनके एक नए वीडियो के साथ एंड देखते हैं कि ये वीडियो इनका हटा तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि सही में टिकटॉक की तरह यूट्यूब नहीं, यूट्यूब काफी सेफ एंड स्ट्रिक्ट है कि वो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करता है। कंटेंट इसमें ये बताने वाले हैं टिकटॉकर्स की लाइफ कैसी होती है, कैसे वो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं एंड स्ट्रेटेजीज, कंटेंट कितना अच्छा बनाते हैं एंड वायरल कैसे होते हैं, किस तरीके से आप वायरल हो सकते हो, मतलब फेमस हो सकते हो, स्टार बन सकते हो रात दिन एक करके 4 4 घंटे पूरी पूरी रात काम करने के बाद अब कैसे स्टार बन सकते हो, प्लैनेट बन सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं साथ में। अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सको मेरे चैनल पे। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। मैं कहना चाहता हूँ मौसम कितना अच्छा है गाइस, आप देख सकते हैं। भाई यो के बकलैंडी चल रही है। अरे भाई हमने क्या लेना देना, वो देख कितना बड़ा बैग ले रहे हैं, सोच कितना पैसा होगा इसमें। ब्रो आग लगा देगा तू आग, और जैसे ही वीडियो मेरे छपरी मॉल में पहुंच गई ना तो तू वायरल जाएगा वायरल, और बन जाएगा अगला टिकटॉक स्टार मिस्टर टैपू 0007.5। ओ डैम, तो भाई जैसे जितने बड़े बड़े टिकटॉक स्टार हैं टैजू 07, पदनान 07, मैं इनको पीछे छोड़ दूंगा क्या? ऑब्वियसली यार, ये तो छोटे मोटे पंटर लोग हैं, तू तो प्याज अली को भी पीछे छोड़ देगा। अब आजा इस वाली वीडियो बनाते हैं। भाई पर मन तो ये बालक थोड़े बावड़े से लग रहे हैं, कदे मारे कोई चक्कू वक्कू मार दे। अरे कैसे डर रहा है, देखियो हलवे जैसे तो बालक है। अच्छा चल मेरी गैल। अब ब्रो मेरी ऐसी वीडियो बनाइयो, मैं ना लॉलीपॉप चूसूंगा और उसका ना स्लोमो बनाइयो और पीछे गाना लगा दूं आई टेक यू टू द कैंडी शॉप। तो कैंडी शॉप की टोपी बंद करो गलीच पाना, और जो जो ले रहे हो जल्दी दो हमें। अरे हो भाई डट जा, हम उस टाइप के ना जैसा तू समझ रहा है, हमको पैसा चाहिए जो के देन लग रहा है। भैया हम तो छोटे मोटे टिकटॉकर है, हम पे थोड़ी ना पैसा होगा। माथे पे सी लिख रहा है मेरे, वो भी बड़ा बड़ा। ये इतना बड़ा बैग ले रहे हो, इसमें की लाश गिर रखी है, जल्दी खोल इसे। चल भैया इसे मत खोलना, इसमें हमारा थोड़ा पर्सनल सामान है। अरे बहुत पैसा ले रहा, बैग खोल बैग। भैया मेकअप खोल। सलवार अबे नीचे देख नीचे, पैसा होगा पैसा। मेकअप ब्लाउज सारे कुछ गलत वलत काम तो ना करो, छोरी वोरी सप्लाई करते दिखो तुम। नीचे देख नीचे, पैसा होगा पैसा। देख हमें ना चाहिए तुम लोगों से एक भी पैसा, बस तुम नू बता दो इस सामान को की करे करो। भैया वो हम टिकटॉक जोर से बोल, भैया वो हम टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक क्वीन। हाय गाइस, माय नेम इज भाषिका भाटिया, माँ मेरी चलाए उड़न खटोला, लौंडे आके मुझसे पूछे क्या हाल है पटोला। एक और। हाय गाइस, माय नेम इज ब्यूटी खान। ब्रो ये क्या है? टैलेंट कंटेंट। भाई यार ये लड़की कितनी बॉम्ब लग रही है, काश है मेरी बहू होती। सीधे बहू, साले गर्लफ्रेंड बोलता तो समझ भी आता। सच बात बताऊं, जो छोरी अपनी औकात थोड़ी भारी है। भाई थोड़ी ना यार, बहुत ज्यादा भार है। और ऊपर से दो दो छोरे और साथ लेकर डोल रही है, मतलब पक्का इसका कोई सा सेटर पाऊंगा। भाई वही मैं सोच रहा था, पर हम तो ढीट हैं, गोल मारने का मजा तभी आता है जब गोलकीपर सामने हो, और यहाँ तो दो दो खड़े हैं, इंशाल्लाह मजा आएगा। ओके गाइस, तुम लोग वीडियो बनाओ, मैं चलती हूँ। ओ हेलो, कहाँ चलती हूँ, हम कैसे बनाएंगे वीडियो, तू हमारा पेटीकोट लेके जा रही है। ये पेटीकोट ना मेरा है, इसे सिर्फ मैं ही पहन के वीडियो बनाऊंगी, तुम्हें बनानी है ना अपना सिलवाओ। भाई कैसी बातें कर रही
अपने पेटीकोट की ना ज्यादा चौड़ मत दिखा, मैं समझ आ गई है। बेशक तू लड़की है पर तेरे से ज्यादा सलवारों का कलेक्शन है मेरे पास। मेरी पीली वाली सलवार तो अब भी तेरे पास है, मैंने आज तक तेरे से मांगी। अगली बार देखूंगा जब तेरे को मेकअप की जरूरत पड़ेगी ना, बोलेगी एल्विस मेरे को बता दे कहाँ है मेकअप की किट, तब पता चलेगा तेरे को। भाई भगवान करे इसकी वीडियो फॉर यू में ना आए, मैं तो कहूँ इसकी रिंग लाइट भी टूट जाए। छोड़ना यार, अपना नया पेटीकोट सिलवाएंगे फिरोजी रंग का जाली वाला, अब टिकटॉक पे मचाते हैं बंटा। एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ तो पूछो फिर, और जल्दी पूछना, मुझे टिकटॉक बनाने जाना है। आप जैसे ये वीडियो बनाते हो इन लोंडो के साथ, तो इनमें से आपका बॉयफ्रेंड कौन सा है? इनमें से कोई बॉयफ्रेंड, वो भी मेरा। पागल वागल तो नहीं हो गया? जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैडम जी देखो, छुपा के क्या ही फायदा, पता हमें भी है कि इनमें से एक के साथ तो जरूर आपका कोई लफड़ा पाओगा। अबे यार बोल दिया ना, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो मैडम आप बता दो ना कि कैसा है, खुद ही उधर देख लो ना। अरे भाई ये तो गलत हिसाब के लोंडे हैं यार। मैंने तो पहले ही बोला था ये गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, इनका दूसरा हिसाब है। मैडम जी आप जाओ ना। भाई इनका तो दूसरा हिसाब है यार, लगे इस पार्क में आना छोड़ना पड़ेगा वरना मारे भी चिपट सके। भाग भाई भाग। ब्रो ये देख कितनी सारी लड़कियां तेरे भाई को मैसेज कर रही है, बोल रही है एल्विश तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, हमसे ब्याह कर लो। बता कौन सी वाली से करूं, इससे कर लूं पीली शक्ल वाली से? पर भाई ये तो 12-13 साल की निब्बियां हैं, और वो भी वो लड़कियां जो छपरी में रहती है और तंबाकू चापती हैं। तो भाई छपरी में इंसान नहीं रहते क्या, और इंसान नहीं खाते तंबाकू और गुटखा? और वैसे भी भाई ये लड़कियां कभी तो बड़ी होंगी ना। भाई कितनी भी बड़ी हो जाए रहेंगी तो छपरन। ओ भाई हेलो, फैन से मजाक नहीं, समझ आ गई है? एक बार तेरे भाई के 1 मिलियन फॉलोवर हो जाना टिकटॉक पे, मियां खलीफा की माँ कसम स्वयंवर रच दूंगा अपना, और उनमें से लड़कियां छाटूंगा। ए मोटे होट वाली बाहर निकल, ओ तू फांडी है तू बाहर निकल, और तुम लड़कियां आगे आ जाओ, तुम 3 लड़कियां पीछे चले जाओ। भाई कितना फन कर दूंगा यार मैं। भाई यार तेरी लाइफ तो सेट है यार, क्या चीज मेरे को भी टिकटॉक स्टार बना दे। अबे बहुत इजी है टिकटॉक स्टार बनना है, अब कोई राह चलता बन जाएगा, राह चलता बन जाएगा कोई टिकटॉक स्टार। सर आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, सर आप टिकटॉक पे क्या वीडियो बनाते हो सर? सर प्लीज सर, सर सर एक सेल्फी सर, सर प्लीज। मेरा मतलब तेरे को टिकटॉक स्टार बनना है ना, चल तू मेरे को ये बता कि तेरे को आता क्या है, खूबी क्या है तेरे अंदर? खूबी भाई मेरे को डांसिंग आती है, मेरे को सिंगिंग आती है, मेरे को एक्टिंग आती है, और भाई मिमिक्री तो माशाल्लाह, भाई अब तो बन सकता हूँ ना टिकटॉक स्टार। अबे साले ये सब तो टैलेंट में आता है, टैलेंट दिखाना तो यूट्यूब पे बनाना वीडियो, टिकटॉक पे टैलेंट दिखाएंगे, नहीं चलेगा भाई फिर तू। यहाँ नहीं चलता है ये सब, यहाँ चलता है बैन, बैन अकाउंट डिलीट। बकलैंड बना, बकलैंड बना, ये क्या होता है भाई? अबे यार तू कितना ज्यादा भोला है, अब देखियो मेरे को। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। भाई ये क्या है, मैं नहीं करने वाला ये सब। टिकटॉक स्टार बनना है या नहीं? बसंती हम बसंती, सबके दिल के बसंती बसंती। चश्मा क्यों पहन रहा है? सॉरी। सीधा मुद्दे पे आते हैं, यूं बता जॉब क्यों चाहिए और क्या टैलेंट है तेरे में? सर टैलेंट तो ऐसा है कि बस पूछो मत। अरे वो कसाई नू ही पूछ रहा हूँ, टैलेंट बता अपना। अभी तो बताया पूछो मत। कॉमेडी चल रही है यहाँ पे, कॉमेडी शो चल रहा है, वहाँ पे कैमरे वाला होगा, कैमरा मैन होगा, हम दोनों एक्टर, और ये शो देख रहा दुनिया है। बकचोदी मत ना खिंडा में, नू बता टैलेंट क्या है तेरे में? सर मैं लिप सिंक बहुत अच्छी करता हूँ। लिप सिंक ये क्या है? लिप सिंक जैसे आप मेरे को कोई गाना दोगे ना तो मैं उस पर होठ हिला सकता हूँ। आई एम अ सैवेज, भूखी खचरी भिखारन। और आप ज्यादा इंसिस्ट करोगे ना तो आपके लिए 2 बार एक्स्ट्रा कमर भी हिला देंगे। टिकटॉक ही होना था। बिल्कुल सही। इधर आइयो बेटा, घट्टी सी शकल के चला जा यहाँ तक, हम अगर टाइम बर्बाद करने का है ना मेरे पास, ठीक है? आ जा मैं बेना। जा
ओ सफेद बुरसट, हमारे टिकटॉक के बारे में ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया? क्या मजाक समझ रखा तुमने टिकटॉक को? तुम्हें पता भी है 15 सेकंड की एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मुझे औरों का नहीं पता, बट एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में मेरे को 4 घंटे लगते हैं। उसकी साउंड ढूंढने में और अलग से फटती है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है, और जो तुम बाद में यूट्यूब वाले रोस्ट करते हो ना, उसके बाद और अलग से फटती है। और क्या तुमने रोस्ट का ऐसी कर रखी है अपने यहाँ पे? मैं अपनी वाली पे आ गया ना बेटा, यूट्यूब डबो दूंगा, टिकटॉक ऊपर उठा दूंगा। हेलो, अरे भाई ये ना टिकटॉक तक छोरी उठ का, हेलो बात करियो, बात कर बेटे। कौन बोल रहा है? अरे कौन सा मसीहा बन रहा है, एक बार की ठुकाई तो पेट ना भरा लगे, बनाओ एक और रोस्ट। अरे भैया जी आप तो बुरा मान के दिल पे ले गए यार छोटी सी बात को। भाज जा यहाँ से गुटके जी से कल के, फिर मत आ जाए यहाँ पे, ठीक है? बजे अगर हमने ये वाली वीडियो बना दी ना तो रातों रात प्लैनेट बन जाएंगे, प्लैनेट। पर भाई हम प्लैनेट क्यों बनेंगे, हम तो स्टार बनेंगे ना, स्टार। अबे स्टार तो हम दिन में ही बन जाएंगे, पर रात को हम प्लैनेट भी बन सका भाई। रविंद्र देख रहे बाड़े के फिल्म सी तरह लग रहे हैं भाई, बताओ तो सही वो क्या चीज है जिससे हमारी रातों रात जिंदगी बदल जाएगी? अरे कुछ भी ना है, मार्केट में नई चीज आई, सबसे पहले तेरे भाई लोडी के पास आई है, हमको क्या करना, कुछ ना करना, हमें ऐसे गधे की तरह ऐसे लात मार के चलना है, और जो 12-13 साल के छोटे छोटे बेकूफ निब्बे है ना, निब्बे बालक, वे के कहेंगे लोडी भाई क्या चलते हो तुम, एक बार लोडी भाई चल के दिखा दो ना, जब तुम चलते हो ऐसे बल खाते हैं तुम्हारे पैर। भाई ये तो कुछ गलती सांग कर रहे दिखे, आइए एक बार देख आएंगे। ब्रो अब वीडियो स्टार्ट करियो, ठीक है? जैसे ही मैं रुमाल नीचे करूँ ना। अरे भाई 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 क्या हुआ भाई? सॉरी अंकल सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात ना बेटा, कोई बात ना, इधर आना। मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ जो तुझे ना दिखा? के काम करने लग रहे हो तुम यहाँ पे? अंकल वो हम टिकटॉक्स बना रहे थे, बस अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। टिकटॉक ये क्या चीज है अंकल? यही तो नहीं पता आपको, आप थोड़े गवार रह गए शायद। टिकटॉक इतनी सेक्सी चीज है, आप पागल हो जाओगे। दिखा मेरे, ये तो कूड़ा है, ये बनाओ तुम। ओ अंकल सुनो मेरी बात, टिकटॉक के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, तुम मुझे गाली दे लो, उसके पापा को गाली दे लो, पर टिकटॉक के बारे में एक शब्द नहीं। तुम्हें पता भी है कितने फैंस है मेरे, एक आवाज मार दूं ना, एक आवाज मार दूंगा, झुग्गी के बालक इकट्ठे करके तुम्हें घेर लूंगा, वहां का इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर, मैं कंटेंट क्रिएटर। अरे ओ क्रिएटर यहां रविंदर पकड़ ले साड़न है, झुग्गी के फौज इकट्ठी करेंगे ये। अब इसकी वीडियो वायरल कर दूंगा और टिकटॉक पे फेमस हो जाऊंगा। ब्रो यार बीड़ी पिला दे। जा यार दिखा ले अपनी बीड़ी की एट। बीड़ी बीड़ी की फिकर है भाई की तो है ना, नू मत बुझ लेगी, भाई की उदास खड़ा है यहाँ पे। तू उदास खड़ा है क्या? मुझे लगा तू ऐसी खड़ा है भाई, तेरी सारी उदासी दूर कर दूंगा, दोनों भाई चल रहे हैं टिकटॉक बनाने, फिल्म बना दूंगा फिल्म। भाई मैं ना बना रहा कोई टिकटॉक विकटॉक, मारे बस की ना है सांग करने, ठीक है? अकेला जाकर बना ले, हम तो अपना बीड़ी चास के खुश है। भाई कैसी बात कर रहा है यार, टिकटॉक में अकेला कैसे बनाऊंगा, कौन कौन पकड़ेगा फिर? मेरा मतलब ऐसा क्या रीजन है जो तुझे टिकटॉक छोड़ना पड़ रहा भाई? भाई 3 साल हो गए टिकटॉक पे वीडियो बनाते, सिंगिंग वीडियो हमने डाल ली, डांसिंग वीडियो हमने डाल ली, पर 70 से ऊपर फॉलो भी ना बढ़ते, कल 71 हो गए थे, पर नहीं जनता ने फिर 70 करवा दिए, फिर किसी ने अनफॉलो मार दिया। और एक तू है भाई, तो अपनी वीडियो में लड़के से लड़की बन जाता है, तेरे छपरी फैंस खुश हो जाते हैं, तू तो भैया से गुटखा भी थूक देगा ना, तेरे तो भी 2 लाख लाइक पक्के हैं, और हम माइकल जैक्सन भी बन जाएंगे जब भी पब्लिक को पसंद नहीं आता। ये बीड़ी पीने की वजह से तो नहीं हो रहा, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी क्या? अरे नहीं यार बीड़ी थोड़ी छोड़ूंगा इस चीज के पीछे। भाई एक छोटी सी बात बताऊंगा, थोड़ी सी चुभेगी पर सुनियो, टैलेंट वहां दिखाया जाता है जहाँ लोग उसको पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो, उसकी कदर करते हो। मैं भी सोच रहा था भाई टिकटॉक पर वीडियो बनाऊंगा, अपना बढ़िया टैलेंट दिखाऊंगा और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, पर भाई यहाँ तो सीन ही अलग है, यहाँ लोगों को देखना पसंद है कूड़ा बेफालतू की चीजें। तेरे को पता टॉप पे कौन बैठा है, वो क्या करते हैं? इंडिया में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, कोई सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, बहुत सारी चीजें करता है, बट वो हिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को देखना पसंद है बेफालतू की चीजें। और मेरे को एक बात बता, लोग अपना टैलेंट क्यों दिखाएंगे जब उनको लग रहा कि भाई हम तो बेफालतू की वीडियो बनाएंगे और अपने हिट हो जाएंगे? भाई इतने टाइम में टिकटॉक में मैंने एक चीज सीखी है, अगर तुम्हें हिट होना है ना तो तुम्हें क्रिएटिविटी और टैलेंट का मारनी पड़ेगी गोली, और बकचोदी लगानी पड़ेगी गले।
समझना मेरी बात। एक्स्ट्रा पेटीकोट है। ऊपर से चमके गला से है ये दूर, करते कुछ नहीं बस फोकट में मशहूर। बच्चे सारे हैं ये काफी जल्दी में, बड़े प्यारे हैं ये चूहे चमकीले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब कि आप कैसे अब टिकटॉक पे सक्सेस हो सकते हैं, एक अच्छा कंटेंट आप कैसे बना सकते हो, एक स्लोमो कैसे बनता है, कैसे आप वायरल हो सकते हो और आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आप सोशल इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो एंड या बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं इसमें। आप इनको यूज करो और टिकटॉक पे ऐसे ही वीडियो बनाओ, आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एल्विश के स्टाइल में। ओके सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर रिएक्शन वीडियोस। एंड दैट्स इट, वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी करो, टिकटॉकर्स की लाइफ बताओ और लोगों को जिनको पता नहीं है, जो नहीं जानते हैं। एंड दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।